सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ ये आपका जिस भी कंपनी का पैन कार्ड या यूटीआई का या एनएसडीएल का पैन कार्ड हो, आप जो भी कंपनी का पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे आपको 8 रुपये पे करने पड़ेंगे तभी आप पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ यूटीआई का पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नहीं चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए वो कोई सा भी एक साइट खोल लेना। जैसे यहाँ पे मैं गूगल को यहाँ पे साइट खोल लेता हूँ। गूगल को सर्च करेंगे, आप जिस भी कंपनी का पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो वो पैन कार्ड को सर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एनएसडीएल का, जैसे मैं यूटीआई का पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहूँगा यूटीआई के यहाँ पे सर्च कर लेना आपको। जैसे यूटीआई का मैंने यहाँ पे सर्च करा तो देखिए यूटीआई का पैन कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा फंडिंग आपको दिखा देगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे एक मैसेज है एरर या इसको कटिंग कर देना, यहाँ से यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना, यहाँ पे पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको जिस व्यक्ति का पैन कार्ड डाउनलोड करना है आपको पैन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर नहीं तो वो छोड़ सकते, नहीं भी डाल सकते, आपको कैप्चा डालना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे मैं एग्जांपल की एनएसडीएल का भी आपको मैं सर्च करके यहाँ पे दिखला देता हूँ। जैसे एनएसडीएल का पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहिए एनएसडीएल यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ देखिए एनएसडीएल पैन कार्ड, इसको आप सर्च करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे डाउनलोड ई पैन कार्ड एनएसडीएल आ जाएगा। इस पर क्लिक करना होगा तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सर्चिंग लेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या आपको यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पैन नंबर डालना, यहाँ आधार नंबर डालना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना, आपको यहाँ पे मंथ डालना, जीएसटी नंबर छोड़ सकते नहीं तो आप डम्स को एक्सेप्ट करना, यहाँ से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं यूटीआई का। जैसे ये एनएसडीएल का है, अब मैं जैसे मैं यूटीआई करना चाहता हूँ, मैं यूटीआई यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यूटीआई का पैन कार्ड। जैसे मेरा यूटीआई का पैन कार्ड में वही सर्च कर लेता हूँ यूटीआई, फर्स्ट में आएगा यूटीआई पैन कार्ड डाउनलोड यूटीआई, इस पर मैंने क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फंडिंग आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको ऊपर के साइड स्क्रॉल आपको कर लेना, यहाँ पे देखिए डाउनलोड ई पैन एक मैसेज आएगा एरर, इसको यहाँ पे कटिंग कर लेना। कटिंग करना यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना। चलिए फटाफट से यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1997 तो आपको वहाँ पे 1/1/1997 डालना, आपको सिंगल वहाँ पे 0/1/1997 लिख देना है। जैसे मेरा है 0/1/1997 मैं डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर है तो डाल देना, नहीं तो छोड़ भी देना। ये आपको कैप्चा, आपको ये कैप्चा आपको फिल करना है, जैसा ऐसा ही कैप्चा आपको सेम यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ कुछ गलत हो गया है, पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके पास जो आपका पैन नंबर वो यहाँ पे फर्स्ट में शो करेगा, कुछ नंबर से यहाँ पे हाइट है, आपका जो पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, सेकंड में वो भी हाइट करा हुआ है, जो थर्ड में आपका ईमेल आईडी लिंक है वो भी यहाँ पे ईमेल आईडी शो कर, लेकिन वो कुछ हाइट ईमेल आईडी करा हुआ है। आपको देखिए ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे इसको मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ, ये एरर यहाँ पर कट हो चुका है। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बूस्ट ई ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप एसएमएस मंगा सकते हैं, ओनली ईमेल पे मंगा सकते हैं या ओनली एसएमएस पे मंगा सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी पे मैसेज मंगाना तो ईमेल आईडी पे टिक करना, आपको अगर एसएमएस में मंगाना है तो एसएमएस पे क्लिक करना, अगर आपको बर्थ ईमेल एसएमएस मंगाना तो इस पर आपको क्लिक करना। आपको जिसमें सुविधा रखते हैं उसी में ईमेल आईडी मंगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं पैन कार्ड डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा पैन कार्ड पहले से डाउनलोड है, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे आपको पैन कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करना है, ऐसे ऐसे जो आपको यहाँ पर फॉलो करना, मैं वाले आपको यहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको मैसेज पर मेरा मैसेज क्लिक कर देना, जैसे मैसेज पर क्लिक करके अभी टिक मारा आपको यहाँ पर सबमिट करना, जो डम्स को एक्सेप्ट करें आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पेमेंट कटाने का, आपको 8 रुपये पे करने के तभी आप वहाँ पे आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, वर्चुअल पैन कार्ड वहाँ पे, वो पैन कार्ड को कहीं पे यूज करके आप काम करवा सकते हैं। वहाँ पे आपका पैन कार्ड 8 रुपये पे करेंगे, आपका पैन कार्ड वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे इसको पैन कार्ड को कहीं भी अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखा आपको एग्जांपल के लिए इस तरह से आपको पैन कार्ड डाउनलोड करना, ऐसे ऐसे चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आप यूटीआई का पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे एग्जांपल के अलग को बताया क्योंकि मेरा पहले से पैन कार्ड डाउनलोड, इसलिए मैं डाउनलोड कर आपको नहीं दिखला रहा हूँ। इसलिए आई होप यू आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।